हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टारो याशिमा की लिखी हुई कहानी क्रो बॉय चैप्टर 9 यूनिट 9 में पढ़े गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ। इसमें कहानी एक छोटे बच्चे की, जापान के एक गांव में एक स्कूल है, वहां पर एक छोटा बच्चा है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कहानी में शुरू में कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर विलेज स्कूल इन जापान देयर वाज अ बॉय मिसिंग। हमारे गांव के स्कूल में पहले दिन एक गुम हो गया था, वो कहीं एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। हम लोगों ने नन ऑफ दस न्यू ही हम लोगों ने में से कोई उसे नहीं जानता था, बट वी इमीडिएटली निकनेम्ड हिम चीबी एज ही वाज वेरी स्मॉल। हम लोगों में से कोई उसे जानता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने तुरंत उसका नाम रख दिया चीबी, क्योंकि वह बहुत छोटा था। चीबी वॉज ए स्ट्रेंज बॉय, वह एक विचित्र लड़का था। वो ऐसे ही छत को निहारता रहता, सीलिंग को या लकड़ी के डेस्कटॉप को वो घंटों तक देखता रहता विथ इंटरेस्ट। ही वुड स्टडी अ पैच ऑफ क्लॉथ ऑन ए बॉयज़ शोल्डर, किसी बच्चे के कंधे पर अगर पैबंद लगा होता, पैच लगा होता, कपड़े का टुकड़ा सिलाई किया हुआ, उसको वो देखता रहता। खिड़की से बाहर वो सालों भर देखता रहता, पूरे साल। और बारिश होती तो बहुत खुश, बहुत आश्चर्य भरा, उसको खुशनुमा आश्चर्य होता। खेल के मैदान पर अगर वो अपनी आंखें बंद कर लेता तो चीबी कई अलग अलग आवाज़ें सुनता, नज़दीक से, दूर से, दूर की आवाज़ें। वो इतने छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर देखता, और लार्वा को जो हम लोग उस पर देख भी नहीं सकते थे, उनको वो पकड़ लेकर देखता रहता था। हम लोगों ने चीबी को अकेला छोड़ दिया, हम लोगों ने वी लेफ्ट चीबी अलोन। वो अकेले पैर घसीट करके ट्रज टू स्कूल एंड वंट बैक होम ऑन हिज ओन एवरी डे। खुद से अकेले वो आता था स्कूल, जाता था, लौटता हुआ, और नॉट लर्निंग नथिंग इन क्लास, क्लास में कुछ भी नहीं सीखता था। इस तरह से 5 साल बीत गए, हम लोग 6ठी क्लास में पहुँच गए, और उस स्कूल में अंतिम वो क्लास था। हमारे नए टीचर मिस्टर सोबी जो थे, वो एक फ्रेंडली आदमी थे, मुस्कान उनकी अच्छी थी, मिलनसार थे वो। वो अक्सर हमें हिल टॉप पर ले जाया करते थे, स्कूल के पीछे वाले। हम लोग जब खेलते थे तो वे अक्सर वे चीबी के साथ बातें करते हुए समय बिताते थे। ही वॉज प्लीज टू लर्न दैट चीबी न्यू ऑल द प्लेसेज वेयर द वाइल्ड ग्रेप्स एंड वाइल्ड पोटेटोज ग्रू। वो खुश होते थे ये जान करके कि चीबी सभी ऐसी जगहों के बारे में जानता था जहाँ जंगली अंगूर और आलू उगते थे। वो ये जानकर अचरज में पड़ गए कि चीबी हमारे गार्डन के सभी फूलों के बारे में जानता था। बाद में उस साल में चीबी जो था वो टैलेंट शो में स्टेज पर आया। हम लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, वो वहाँ क्या कर सकता है, हम लोग सोचने लगे। तब मिस्टर जोबी ने घोषणा की कि चीबी कौवों की आवाज़ की नकल निकालने जा रहा है। लोगों ने सोचा कि कौवों की आवाज़। फर्स्ट चीबी इमिटेटेड द वॉइसेस ऑफ न्यूली हैच्ड क्रोज। पहले पहले उसने नए नए जन्मे हुए कौवों के बच्चों की आवाज़ निकाली। तब उसने मदर क्रो की आवाज़ निकाली। उसके बाद उसने फादर क्रो की आवाज़ की नकल की, और उसने ये दिखाया कि सुबह के वक्त जब कौवे खुश होते हैं और चिल्लाते हैं तो वो कैसी आवाज़ें निकालते हैं। और आखिर में उसने एक ऐसे कौवे की नकल की स्पेशल आवाज़ निकाली, पुराने क्रो की, क्रो ऑन एन ओल्ड ट्री, पुराने पेड़ पर एक कौवे की आवाज़ निकाली। और लास्ट में उसने वो जो आवाज़ निकाली वो बहुत स्पेशल, एकदम गले में गहरी सा, गले में से गहराई से निकाला आवाज़ उसने, काउ वाट करके। वी वर स्ट्रक विद वंडर, हम लोग आश्चर्य से भर गए। हम लोगों का दिमाग, मन जो था वो दूर चला गया, वो सुनसान पहाड़ी के बगल में, वहाँ पर जहाँ से चीबी शायद आता था स्कूल। मिस्टर सोबी ने बताया कि चीबी ने ये सारी आवाज़ें पिछले 6 सालों में सीखी हैं, जब वो घर से आता था स्कूल सुबह के वक्त, और शाम को जब सूर्यास्त के समय में घर लौटता था। हम में से प्रत्येक रोने लगे,
और हम लोगों ने को एहसास हुआ, वी रियलाइज हाउ रॉन्गली वी हैड ट्रीटेड चीबी, हम लोगों ने किस तरह से चीबी के साथ बुरा व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। आफ्टर स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हुआ, हम लोग कभी कभी चीबी से उसके घर में गांव में मिलते थे, विलेज में, बट नोबडी कॉल्ड हिम चीबी एनीमोर, लेकिन कोई हम में से उसे चीबी अब नहीं बुलाता था। वी ऑल कॉल्ड हिम क्रो बॉय व्हेन ही ग्रीटेड हिम, हम लोग सब उसे क्रो बॉय बुलाते थे जब हम उससे मिलते थे, उसका अभिवादन करते थे। क्रो बॉय अपना सर हिलाता, मुस्कुराता और अपने कंधे फैला करके गर्व से वो अपने गांव की तरफ पहाड़ियों की दिशा में चल जाता, दूर पहाड़ियों की तरफ, और कहाँ से, एंड फ्रॉम अराउंड द टर्न ऑफ द माउंटेन रोड वुड कम ए क्रो कॉल द हैप्पी वन, और वहाँ पहाड़ियों के रास्ते पर जो मोड़ आता था वहाँ से शायद कौवे की एक खुशनुमा आवाज़ आती थी। यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है।